दोस्तों, कुछ समय पहले आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमारे घरों में विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ देखने को मिलती थी। जैसे ही गर्मियों का सीजन आता था तो बहुत सारी विभिन्न प्रकार के पक्षियों का आना जाना हमारे घरों में लगा रहता था, और बहुत सारी अचानक से इतनी पक्षियाँ आते थे, इतनी चिड़ियाँ हमको दिखाई देती। उन सभी में अगर मैं मेन बात करूँ वो गौरैया हमको दिखाई देती। ठीक है, तो गौरैयाएँ इतनी गौरैया होती थी कि हमारे घरों में उनकी ही चहचहाहट सुनाई देती थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है, भारत के अनेक ऐसे शहर भी हैं जहां पर ढूंढने से भी गौरैया नहीं मिलती है, जैसे कि दिल्ली। दिल्ली में कोई भी गौरैया इस समय मौजूद नहीं है, संभवतः हम ये कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज है गौरैया दिवस। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस है आज, और हम प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस हम मनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रे, मैं आपसे डिस्कस करूंगा विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत कैसे हुई, इसको मनाने के क्या इसके उद्देश्य रहे और क्यों इसको मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस संपूर्ण विश्व में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण एक दिवस है। ये दिवस विलुप्त होते गौरैया पक्षी से जुड़ा हुआ है। इसकी तिथि की बात करें, जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, ये 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। आगे हम बात करेंगे इस पर डिटेल में। दोस्तों, आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में गौरैया की संख्या में करीब 60% की कमी आई है। ये कमी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हुई है। दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। ये दिवस पूरी दुनिया में गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। घरों को अपनी चींची से चहकाने वाली गौरैया अब नहीं दिखाई देती। इस छोटे आकार वाले खूबसूरत पक्षी का कभी इंसान के घरों में बसेरा हुआ करता था, और बच्चे बचपन से ही इसे देखते हुए बड़ा हुआ करते थे। अब स्थिति बदल गई है। गौरैया के अस्तित्व पर छाए संकट के बादलों ने इसकी संख्या काफ़ी कम कर दी है, और कहीं कहीं तो अब ये बिल्कुल दिखाई भी नहीं देती। अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत की दोस्तों, तो विश्व गौरैया दिवस पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को पूरी दुनिया में गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, किस उद्देश्य से गौरैया दिवस मनाया जाता है। एक दो दशक पहले हमारे घर आंगन में फुदकने वाली गौरैया आज विलुप्त के कगार पर है। इस नन्हे से परिंदे को बचाने के लिए ही पिछले 3 सालों से प्रत्येक 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, ताकि लोग इस नन्ही सी चिड़िया के संरक्षण के प्रति जागरूक हो सके। और भारत में गौरैया की संख्या लगातार घटती ही जा रही है। कुछ वर्षों पहले आसानी से दिख जाने वाला ये पक्षी अब तेजी से विलुप्त हो रहा है। दिल्ली में तो गौरैया इस कदर दुर्लभ हो गई है दोस्तों कि ढूंढने से भी ये पक्षी नहीं मिलता। इसलिए वर्ष 2012 में दिल्ली सरकार ने इसे राज्य पक्षी घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, हम समझ रहे हैं कि किस कदर गौरैया पक्षी की संख्या में कमी आई है और ये प्राणी विलुप्ति की कगार पर जा रहा है। तो दोस्तों, गर्मी का समय आ रहा है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने अपने छतों पर या अपने घरों पर ऐसी जगह पर जहां पर पक्षी आकर अपना पानी पी सकें और छाया में बैठ सकें, कुछ ऐसा इंतज़ाम प्रत्येक व्यक्ति ज़रूर कीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जिस पर अगर चाहें तो चिड़िया आकर बैठ सके छाया में, और वहाँ पर पानी वगैरह की कुछ ऐसा व्यवस्था करें जिससे कि वो पानी पी सके। दोस्तों, इससे इस पानी की कमी से और गर्मी से प्रत्येक वर्ष कई पक्षियों की जान जाती है। तो दोस्तों, हमारा ये सामाजिक कर्तव्य बनता है कि हम इस पर ध्यान दें और पक्षियों को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। दोस्तों, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक जीव महत्वपूर्ण हैं, हर किसी का अपना रोल होता है, हर किसी को बचाना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक कदम हम भी उठाएंगे इस तरफ, और आज ही संकल्प लेंगे कि पक्षियों के लिए हम जितना संभव हो सके कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद। एक सामाजिक मुद्दा है, आज गौरैया दिवस है, इस उपलक्ष्य में मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।